आप सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष एडमिनो फायरगंगे आज आपके सामने एक चर्चा को लेकर आया हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमने बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा पढ़ा भी है कि ज्वर की शांति हेतु विष्णु सहस्त्र का पाठ बताया जाता है, और चरक जी ने तो विशेष तौर पर इसका वर्णन किया है कि जो भी ज्वर की शांति हेतु आपको क्या करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। तो इसके पीछे एक काफ़ी अच्छा लॉजिक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि विष्णु सहस्त्र का पाठ कैसे काम करेगा। तो देखिए, ये एक आध्यात्मिक चीज़ है और इसको अध्यात्म के रूप में ही हमें समझना पड़ेगा। तो कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए जानिए क्या होता है कि भगवान श्री राम और शंकर भगवान जो थे हमारे, वो दोनों एक दूसरे को अपना अपलाइन मानते थे। अपलाइन का मतलब भगवान श्री राम शंकर जी को अपना भगवान मानते थे और भगवान शंकर श्री राम जी को अपना भगवान मानते थे। तो इस तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे को अपना अपलाइन मानते थे। तो क्या हुआ, एक बार जब शंकर जी को क्रोध आया और क्रोध के स्वरूप यानी कि रुद्र को कोप हुआ और कोप के फल स्वरूप हमें पता है कि ज्वर की उत्पत्ति हुई थी, तो वहाँ पर देखा गया कि भाई अब यहाँ पर शंकर भगवान क्रोधित हो चुके हैं और ज्वर की उत्पत्ति हो चुकी है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जैसे कि हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम डायरेक्टली उसको जाकर नहीं बोलते, हम लोग बीच में एक मीडिएटर लेते हैं कि यार इनके थ्रू जाएंगे तो शायद वो थोड़ी बात हमारी सुन लें। तो उसी तरीके से वहाँ पर देखा गया देवताओं में, मैंने ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि देवताओं ने देखा कि अभी शंकर भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, कहीं हमें भी भस्म कर दें या फिर हमें भी कहीं ना कहीं ज्वर की उत्पत्ति हमारे अंदर भी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रिय थे, उनके जो मतलब वरिष्ठ थे जिनको भगवान मानते थे, यानी कि हमारे विष्णु भगवान जो कि श्री राम के रूप में इस लोक में आए थे, उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनकी स्तुति करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे शंकर भगवान क्रोधित हो गए हैं और उनसे क्या हुआ है कि वहाँ पर ज्वर की उत्पत्ति हो गई है। तो इस आधार पर वहाँ पर बोला गया था कि विष्णु सहस्त्र का पाठ जब वहाँ पर श्री राम उन सभी लोगों को शंकर भगवान के पास लेकर पहुँचे तो वहाँ पर उनको वो मान गए, और मानने के बाद उन्होंने कहा है कि जब भी कभी ज्वर होगा तो आप मुझका मेरा स्मरण ना कर आप विष्णु का स्मरण करेंगे तो वो ज्वर जो है उसकी शांति हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी जो थीम है इसके पीछे यही एक लॉजिक है कि जो भी हमारा प्रिय होता है हम उसको अगर मना लेते हैं तो जो भी इनके फलस्वरूप कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो इसी तरीके से भगवान श्री राम ने हमारे शंकर भगवान को मना लिया और तभी से विष्णु सहस्त्र पाठ का जो पाठ है पठन है वर्णित कर दिया गया था, किस में, ज्वर की उत्पत्ति में, कि कभी भी किसी को ज्वर होगा तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकता है। तो ये कहानी थी एक छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।